मुल्क पर झूठों की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। नवाज शरीफ पर उस वक्त के रेफरेंस दायर किए गए जब वो इक्तदार में भी नहीं थे। हुक्मरानों का झूठ लोगों के सामने आ चुका। इतनी महंगाई ना होती तो आवाम आज आपको टमाटर और अंडे मारती। राणा मशहूद के पीटीआई सरकार पर वार। वजीर आजम को बुरे वक्त से डरने का मशवरा दिया। कहा जब आपका एहतसाब होगा तो आपके पीछे एक भी शख्स दिखाई नहीं देगा। झूठों की हुकूमत आ चुकी है। ये झूठे लोग हैं जो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। झूठे लोग हैं। मियां नवाज शरीफ ने सारी उम्र साफ शफाफ सियासत की है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 5 साल की हुकूमत का एक भी रेफरेंस नहीं है। आप रेफरेंस कब का बना रहे हैं? जब मियां नवाज शरीफ ना वजीरे आला थे ना वजीरे आजम थे। 1988-85 के खरीदे हुए जो फ्लैट्स हैं उनकी बात आप कर रहे हैं। आपका झूठ कौम के सामने आ चुका है। कौम अगर टमाटर इतना महंगा ना होता तो आज आपको टमाटर मारती। आज आलू इतने महंगे ना होते आपको आलू मारती। आज अंडे इतने महंगे ना होते आपको अंडे मारती। लेकिन आप उस नेच पर लेकर आ रहे हैं कि आपका गली गली कूचे कूचे में एहतसाब होगा। इमरान खान उस वक्त से डरो, नवाज शरीफ के पीछे करोड़ों दुनिया खड़ी है। मुस्लिम लीग सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। तुम सिलेक्टेड जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें जाए अमान नहीं मिलेगी।